गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एंजॉइंग योर स्टडीज। सो एज वी नो दैट ड्यू टू COVID-19 द CBSE हैज रिड्यूस्ड द सिलेबस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। सो आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट द रिवाइज सिलेबस ऑफ साइंस 10th क्लास। तो ये हम आपको बिल्कुल शॉर्ट में और इजी वे में बता देते हैं दैट देयर आर 1 to 16 चैप्टर्स इन साइंस। पूरे 1 से लेकर 16 तक चैप्टर्स हैं। तो वी कैन सी द चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में कहीं कोई डिडक्शन नहीं हुआ है, कहीं कोई टॉपिक्स नहीं हटे हैं, ये बिल्कुल एज इट इज हमारे आएगा। सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स एज इट इज आएगा, इसमें कहीं कोई टॉपिक नहीं हटा है। चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है, इसमें से कुछ टॉपिक्स जो है वो रिड्यूस हुए हैं, ये आ तो रहा है पर इसके कुछ टॉपिक्स जो है हट गए हैं, मींस ये चैप्टर रिड्यूस हुआ है। चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये भी चैप्टर आ रहा है पर इसके बहुत सारे टॉपिक जो है वो रिड्यूस हो गए हैं, हटा दिए गए हैं, तो ये चैप्टर भी रिड्यूस हो गया है। चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है वो एज इट इज आ रहा है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। चैप्टर नंबर 6 बायो का लाइफ प्रोसेसेस, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल एज इट इज आ रहा है। चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो बायो का है वो कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है, इसमें से कोई टॉपिक नहीं आएगा, कम्प्लीटली पूरा चैप्टर नंबर 7 हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 8 हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये बिल्कुल एज इट इज आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये चैप्टर आ तो रहा है पर इसमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं हटा दिए गए हैं, इसका मतलब है ये चैप्टर भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 10 जो कि हमारा फिजिक्स का है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन, इसमें से कहीं कोई टॉपिक नहीं हटा है, ये एज इट इज आ रहा है। चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, इसमें से कुछ टॉपिक्स जो है वो हटा दिए गए हैं और ये चैप्टर भी रिड्यूस हो गया है। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एज इट इज आ रहा है, इसमें से कहीं कोई टॉपिक नहीं हटा है। चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें से भी कुछ टॉपिक्स जो है वो हटा दिए गए हैं, ये भी रिड्यूस हो गया है। चैप्टर नंबर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 15 आर एनवायरमेंट जो है वो हमारा बिल्कुल एज इट इज रखा गया है। तो ये जो चैप्टर्स हैं इसमें से ये जो टिक वाले हैं ये आपको पता चल रहे हैं कि बिल्कुल एज इट इज आ रहे हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है। जिन पे क्रॉस लगा हुआ है वो कम्प्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं, हमें उनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और जिनके आगे रिड्यूस लिखा हुआ है इनमें से कुछ टॉपिक्स को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर जो 16 है उसको इंटरनल असेसमेंट के लिए रखा गया है, यानी कि आप वो पढ़ेंगे तो सही पर वो इंटरनली असेस होगा, जो हमारा फाइनल एग्जाम होगा, जो बोर्ड के एग्जाम होंगे उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये इंटरनल असेसमेंट के लिए है। तो यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर है कि कौन से चैप्टर्स हमें पूरे पूरे पढ़ने हैं, कौन से बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर में से कुछ टॉपिक जो है हटा दिए गए हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स को में से कुछ टॉपिक्स हट गए हैं, वो है हमारा चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 9, 11 एंड 13। तो अब हम देखेंगे कि इन चैप्टर्स में से कौन से टॉपिक्स जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं और हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 3, 4, 9, 12 एंड 13, फ्रॉम विच सम टॉपिक्स आर रिड्यूस्ड, जिनमें से कुछ टॉपिक्स रिड्यूस्ड हुए हैं। सो फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव मेंशन्ड द पेज नंबर्स दैट वी डू नॉट हैव टू स्टडी, वो पेजेस हमने लिख दिए हैं, टॉपिक्स तो आप लोगों को पता ही चल जाता है पीडीएफ से, पर ये हमने पेजेस नंबर लिख दिए हैं जिनको कि हमें नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 3 में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमें जो मेटलर्जी पार्ट है
वो मेटालर्जी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, और साथ ही साथ जो कोरोजन है और प्रिवेंशन मेथड्स है वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। वो दिए हुए हैं 49 से लेकर 54 पेज तक। चैप्टर नंबर जो 4 है कार्बोनेट्स कंपाउंड, इसमें पेज नंबर 67 से 76 हमें नहीं पढ़ने हैं, जिसमें कि होमोलोगस सीरीज के आगे का जो कार्बोनेट्स कंपाउंड का नॉमनक्लेचर है और बाकी के जो भी पार्ट है आगे दिए हुए हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं पेज नंबर 67 से 76 तक। फिर आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इनमें से जो लास्ट का टॉपिक है इवोल्यूशन वाला वो बिल्कुल हटा दिया गया है, यानी कि पेज नंबर 147 से लेकर 149 तक जो भी दिया हुआ है वो आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट अपना ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें जो फंक्शन ऑफ आई लेंस है, आई डिफेक्ट्स है, वो सब आपको नहीं पढ़ना है, जो कि पेज नंबर 188 से 190 तक दिए हुए हैं। फिर लास्ट आ जाता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें जो मोटर है, इंड्यूस करंट है, यहां तक हमें पढ़ना है, उसके आगे का इलेक्ट्रिक जनरेटर है, एसी करंट, डीसी करंट है और डोमेस्टिक सर्किट है, ये जो सब दिए हुए हैं वो हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जो कि पेज नंबर 236 से 238 तक है। तो आपको ये जो पेज नंबर दिए हुए हैं ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ने, इनमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ने, इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो हमें पढ़ने, तो ये आपको बिल्कुल कट कर देना है कि ये पेजेस हमें बिल्कुल नहीं पढ़ने। तो ये हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा कि इन चैप्टर में ये इन पेजेस पे जो टॉपिक्स दिए गए वो हमें नहीं पढ़ने हैं। सो इट इज ऑल अबाउट द रिवाइज सिलेबस ऑफ साइंस क्लास 10। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।